और इसी के साथ मैं इस मंच से अपनी बातें रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कॉमरेड कन्हैया कुमार को बुलाता हूँ। सबसे पहले इस सभागार में मौजूद आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम करता हूं, आपको लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत खुशी का मौका है कि इस मुंबई की धरती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्म भूमि, ज्योतिबा फुले सावित्री माई की कर्म भूमि, जन्मभूमि पे मुझे बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आज आयोजकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों को एक बात याद होगा, इस देश में राम का रथ निकाला गया था, लेकिन ये महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ से तुकाराम की परंपरा पूरे देश के अंदर चली है, अन्ना भाव साठे का आंदोलन पूरे देश के अंदर चला है। तो हम सिर्फ भगवा राम की बात नहीं करते हैं, हम तुकाराम की भी बात करते हैं। इसलिए आज इस माहौल में जब तमाम तरीके की राजनीतिक बातें हो रही है, छात्र आंदोलन की भी बात हो रही है, तो कुछ बात हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहते हैं। पहली बात तो यह है, सेल्फी वाले पीएम के खिलाफ सेल्फी खींच कर आप आंदोलन को नहीं जीत सकते हैं। और दूसरी बात, एक व्यक्ति किसी भी आंदोलन को ना आगे बढ़ा सकता है ना लड़ सकता है। इसीलिए इस देश के अंदर एक व्यक्तिवादी परंपरा की शुरुआत की गई है। बार बार हमारे मीडिया के साथी कहते हैं मोदी सरकार, मैं कहता हूं मोदी सरकार नहीं, या तो केंद्र सरकार बोलिए या संघ की सरकार बोलिए, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति के बदौलत नहीं चलता। इसीलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपका जो समर्थन, जो स्नेह, जो प्यार हमको मिला है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन आंदोलन किसी भी एक व्यक्ति के कंधे पे नहीं लड़ा जा सकता है। आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और हम सब मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे, ये कमिटमेंट हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। साथी सहला ने कहा कि यूपीए 3 बनाना है। भाई साहब, हम ना डायरेक्टर हैं कि हम गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 बनाते हैं, और ना हम एक्टर हैं कि जुमलेबाजी करके प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हम फाइटर हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ेंगे, हमारा कमिटमेंट है। इसीलिए हम राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सिमट कर नहीं देखना चाहते हैं। राजनीति हमारे लिए आंदोलन है, हम आंदोलन की सत्ता को खड़ा करना चाहते हैं, और इस देश के अंदर जो ऊंच नीच है, जो ब्राह्मणवाद है, हम उसको चुनौती देना चाहते हैं, हम उसको परास्त करना चाहते हैं, ये हमारी लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ आरएसएस और मोदी के खिलाफ बोलते हैं। मैं क्यों बोलूं आरएसएस और मोदी के खिलाफ? हमारे यहाँ एक कहावत है, हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता, और जनवरी के महीने में रात को छाता नहीं लगाया जाता। इसलिए अगर आपको बुरा लगता है भक्त महोदय, तो आप बुरा मत मानिए, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांग लीजिए, हम उनके ऊपर समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर किसी विद्यार्थी को किसी खास सरकार से कोई दुश्मनी है। इस देश के अंदर विद्यार्थियों को, नौजवानों को, किसानों, मजदूरों को, इस देश के अंदर जो सत्ता की लूट मची है, उस लूट का विरोध है, उस नीतियों का विरोध है, इसीलिए हम पॉलिसी का विरोध करते हैं। आप सत्ता में बैठे हैं, पुतला वाला पीएम आप हैं, सूट वाला पीएम आप हैं, तो विरोध किसका करें, आप ही बता दीजिए। ये कहते हैं कि चलिए विरोध तक तो ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? भाई साहब, सब्सिडी का सही पैसा खर्च हुआ है और बहुत अच्छे से हमने रिसर्च किया है,
कोई रिटर्न एक्स की भाषा नहीं है, अल्टरनेटिव हमारे पास है। आप अल्टरनेटिव लेने को तैयार होइए, हम अल्टरनेटिव देने को तैयार हैं। और अल्टरनेटिव क्या है मैं बताना चाहता हूं, अल्टरनेटिव ये है कि आज की खबर है बीट के अंदर एक 12 साल की लड़की 41 डिग्री के टेम्परेचर में 3 बार पानी लेने के लिए गई और वो मर गई। हम अल्टरनेटिव उसके लिए ढूंढना चाहते हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ रोना नहीं जानते, हम सिर्फ शोक मनाना नहीं जानते, हम वो शोक से बाहर आकर अपने आंदोलन में ऊर्जा भरकर उस लड़की को न्याय देना की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम रोहित बेमुला की लड़ाई को आगे बढ़ाना जानते हैं, हम रोहित एक्ट को लागू करवाना चाहते हैं, हम डेल्टा मेघवाल को न्याय दिलाना जानते हैं। और ये जिला न्याय हम जिला कर रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर दो तरह के लोगों के बीच में संघर्ष छिड़ी है। एक है जुमलेबाज और हम हैं जाबाज। ये लड़ाई छिड़ी है संघ के जुमलेबाजों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाबाजों के बीच, और युद्ध हमेशा जाबाज जीतते हैं। आप जाबाजों को हरा नहीं सकते जुमलेबाजी करके। हम जाबाज हैं, लोकतंत्र के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में हैं। हम अपना न्याय मांगते हैं और हम अपना न्याय मांग कर रहेंगे। आपको चिल्लाने से ज्यादा कुछ आता नहीं है। इनका नफरत देख लीजिए, हर शहर में ये मेरे ऊपर जूता मारते हैं, लेकिन नफरत की पराकाष्ठा ये है कि हर बार दाहिने पैर का ही जूता फेंकते हैं। इनका जूता भी राइटिस हो गया है, कभी लेफ्ट वाला जूता फेंको हमारा जड़ी मजबूत हो जाएगा। ये कहते हैं कि इस देश के अंदर विद्यार्थी लोग बिना मतलब का हल्ला मचा रहे हैं। नहीं साहब, हम बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना चाहते हैं। आप हमारा वजीफा दे दीजिए, रोहित एक्ट को लागू करा दीजिए, विश्वविद्यालय के अंदर जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, और इस देश के अंदर जो किसान हैं उनकी आत्महत्या पे बोलना शुरू कीजिए, हम आपके खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। ये कहते हैं कि आपको फंड कहां से आता है। हम बोले आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपको अपने फंड की चिंता है तो अपने पीएम से पूछिए कि सूद का फंड किसने किया था। पीएम से पूछिए कि वास्को डी गामा की तरह जो पूरी धरती खोज रहे हैं और उन्हें भारत नहीं मिल रहा है। मैं बताने को तैयार हूं कि हमको फंड कौन देता है। आइए हमसे जरा नजर मिलाइए, बात कीजिए, और देखिए यहाँ बैठे लोग से अगर एक एक रुपया चंदा लेंगे तो मुंबई दिल्ली का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और आज मैं आ रहा था, बमुश्किल एयरपोर्ट पर आने का मौका मिला है हवाई जहाज चढ़ने का, तो एयरपोर्ट से कुछ साथी हमको रिसीव करके ला रहे थे, तो हमने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो साथियों ने बताया कि ये सफाई कर्मचारी हैं। हमने कहा इनके लिए स्वच्छ भारत का क्या मतलब है। कहा एक बार मोदी जी गटर में उतर जाए फिर मतलब आएगा स्वच्छ भारत का। ये जो कामगार लोग हैं, इन कामगार लोगों को आपका भाषण सुनाया गया, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये लोग तो देशद्रोही नहीं है, ये तो हमारी बात कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने तय किया कि इस पूरे प्रोग्राम में वो सहयोग करेंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे, और इसीलिए वो आपको स्कॉर्ट करके आपको इस कार्रवाई में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आपको फल तक लेकर के आए हैं। ये विद्यार्थियों और मजदूरों की यूनिटी है, ये ऑप्रेस्ड यूनिटी है, इससे मोदी सरकार घबराती है, इसीलिए हमारे ऊपर जूता फेंकाती है और हमको चुप करवाती है। हमको पता चला कि हॉल बदल दिया गया है। हमने कहा कोई नहीं, हम दुनिया बदलने वाले हैं, तुम हॉल बदल कर देखिए। हॉल बदल करके चाहते थे कि कार्यक्रम बंद हो जाए, तो मैं नागपुर का वाक्य आपको बता देना चाहता हूँ। नागपुर में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया और बोला कन्हैया जी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए सेकुलर पुलिस की व्यवस्था की गई है। हमने कहा साहब आप ये मानते हैं इस देश की पुलिस भी कम्युनल हो गई है। तो फिर उन्होंने कहा भाई साहब इस देश में घोड़ा कह रहा है कि काश हम गाय होते। आप लोग शक्तिमान वाली बात जानते हैं,
इस देश में जानवरों तक को कम्युनलाइज कर दिया गया है। मुझे शाहरुख खान की वो फिल्म याद आ रही है जिसमें वो घोड़े से बात कर रहा है। हम जेएनयू के भी जो लोग सेडिशन का चार्ज झेल रहे हैं वो सोच रहे थे कि काश हम भी घोड़ा होते। इस देश की पॉलिटिक्स को हो क्या गया है। घोड़ा के डेट पे तो हम लोग बहुत बात कर रहे हैं लेकिन हॉर्स के ट्रेड पे हम बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार हॉर्स ट्रेडिंग करके गिरा दी गई है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। आप देखिए, मैं दशरथ मांझी की धरती से आता हूँ और दशरथ मांझी कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग हथौड़े की चोट इधर उधर मारने वाले नहीं हैं। हमारा निशाना बिल्कुल सीधा है, लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। जो लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं वो इधर आ जाइए, जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं वो जूता फेंकने वालों के साथ चले जाइए। ये बात आज आमने सामने होकर खड़ी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस पे कुछ नहीं बोलते। एक मशहूर शायर की लाइन मुझे याद आ गई, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मौका अगर होगा तो कांग्रेस पर भी बात करेंगे लेकिन अभी मौका कच्चाधारियों की है, तो आज के इतिहास से जोड़कर कुछ बात करते हैं। चलिए कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस जब यहाँ पर शासन में थी, और मैं आजादी के समय की बात कर रहा हूँ, नेहरू जी पीएम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी जब पुरानी दिल्ली के इलाकों में दंगा हो रहा था तो अपनी कार लेकर गए थे और दंगाइयों ने उनका सर फोड़ दिया था। मोदी जी आप सर फोड़वाएंगे, गुजरात में आपने सर फोड़वाया था, मुजफ्फरनगर आप गए थे, पूरी दुनिया घूमे हैं, मराठवाड़ा आज तक आप आए हैं कि नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मोम का पुतला बनवाए हैं, 41 डिग्री टेम्परेचर में मोदी जी आप खड़े हो जाइए, आप भी गल करके खत्म हो जाएंगे। आप देखिए किस मुल्क में हम कैसे हालत में रह रहे हैं। 25% इलाकों में सूखा पड़ रहा है, 1/4 हिस्से में। इस देश के अंदर सूखा को महाआपदा घोषित कर देना चाहिए था लेकिन सरकार को हेलीपैड पटाने से फुर्सत नहीं है, सरकार को आईपीएल करवाने से फुर्सत नहीं है, इसीलिए सूखा उनके लिए समस्या नहीं है। हम कहते हैं कि आज हम लोग मुंबई में आकर के बात कर रहे हैं। क्या कहते थे मुंबई के बारे में, मुंबई सपनों की नगरी है, मुंबई मेरी जान, नहीं मिल रहा यहाँ मकान। आते हुए साथी मुझे बता रहे थे कि मुंबई जो कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का एक सेंटर हुआ करता था, और यहीं के एक बड़े ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे डांगे, और उनके साथ मंच पर बैठकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजदूरों को संबोधित किया करते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी मजदूरों के हक और अधिकार के लिए। और उनका कहना था कि इस देश के अंदर अगर हमको सामाजिक न्याय की बात करनी है तो हमको दलितों के हक की बात करते हुए सबके हक की बात करनी होगी, इसीलिए उन्होंने दलित न्याय नहीं सामाजिक न्याय की बात की थी। इस बात को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप भी अंबेडकर का नाम लेते हैं और आरएसएस के लोग भी अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। हमने कहा ये बहुत खुशी की बात है कि हर कोई अंबेडकर का नाम ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, कथनी और करनी में फर्क होता है। तो कथनी तो हमने सुन लिया कि 125वीं जयंती मनाया है इन्होंने, थोड़ा करनी पर भी ध्यान दे देते हैं। इनके वाइस चांसलर, इनके मंत्री दत्तात्रेय साहब चिट्ठी लिखते हैं रोहित वेमुला के बारे में कि इस कैंपस के अंदर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के विद्यार्थी कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करना कास्ट पॉलिटिक्स है, अपना दिमाग चेंज करवाइए। हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, हम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम मतलब हमारे साथी रोहित वेमुला ऑपरेशन यूनिटी की बात करते थे। और ये ऑपरेशन यूनिटी की बात क्यों की गई, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय से थोड़ी दूरी पर त्रिलोकपुरी में एक दंगा हुआ था। उस दंगे में क्या किया दंगा कराने वालों ने,
दंगा कराने वालों की कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, इस बात को हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। उन्होंने बहुत चालाकी से दलितों को खड़ा कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। तब हम विद्यार्थियों ने सोचा कि ये तो बहुत आसानी से हमको लड़ाते रहेंगे, कभी ओबीसी वर्सेस दलित करा देंगे, कभी दलित वर्सेस मुस्लिम करा देंगे, कभी मुस्लिम वर्सेस हिंदू करा देंगे, तो हमारे पेट का सवाल कहाँ जाएगा, हमारे नौकरी का सवाल कहाँ जाएगा, हमारे शिक्षा का सवाल कहाँ जाएगा। फिर हम लोगों ने तय किया कि समाज के अंदर एक बड़ी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी, और वो लाइन ये होगी कि इस समाज के अंदर जितना भी धन है उस धन का बंटवारा इस समाज के एक एक लोगों के बीच में करना होगा। यही सामाजिक न्याय है, यही सामाजिक हक और अधिकार की बात है। ये कहते हैं कि सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा, हम भी जानते हैं नारा देने से कुछ नहीं होता। 1925 से आप भी नारा दे रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। आप दंगा करा करके कुछ कर रहे हैं, हम दंगों को मिटा करके कुछ कर देंगे। ये हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है। अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस हॉल में बहुत सारे लोग कैमरा लेकर के खड़े हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्टर हैं। मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि आप रिपोर्टरों के पक्ष में, आप कैमरामैन के पक्ष में, आपका जो मालिक बड़े मीडिया हाउस का है, जो मोदी जी के साथ चाय पे चर्चा करता है, आपके और हक और अधिकार की बात करना ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, और आपके लिए मिनिमम वेज की लड़ाई लड़ना ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। के अंदर जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पिछड़े लोग हो, उनके हक और अधिकार की बात करना ही शिक्षा में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात है। इस समाज के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। उन्होंने कहा था कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उन्होंने कहा था वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करने आए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये होगा कैसे, हमने कहा ये वैसे ही होगा जैसे सिरिजा हो गया, ये वैसे ही होगा जैसे बर्नी सैंडर्स उठ करके खड़ा हो गया, ये वैसे ही होगा जैसे लैटिन अमेरिका के अंदर ह्यूगो चावेज उठ करके खड़ा हो गया, ये वैसे ही होगा। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लड़ाई फिनेंशियल कैपिटलिज्म वर्सेस प्रोडक्टिव कैपिटल की है। ये फिनेंशियल कैपिटल क्या है? ये फिनेंशियल कैपिटल ये है कि जो धन कुबेर लोग हैं वो धन लेकर के एसी मार्केट में बैठते हैं और पैसे को इधर से उधर करते हैं, और पैसा उन्हीं चंद परिवारों के बीच में घूमते रहता है, और वो पैसा उत्पादन के लिए नहीं जाता है। अगर पैसा उत्पादन के लिए जाएगा, अगर पैसे से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो नए रोजगार पैदा होंगे, नए कारखाने खुलेंगे, नए तरह से खुशहाली समाज में आएगी। तो इस उत्पादन की जो पूंजी है उसके पक्ष में खड़ा होना, वित्तीय पूंजी के खिलाफ आवाज उठाना, यही अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। और इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लेकर के हम आए हैं। कुछ लोग कहते हैं नियो लिबरल जमाना है, नियो लिबरल जमाना हम भी जानते हैं, लेकिन नियो लिबरल का दम फूल रहा है, उसकी हालत खराब है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा रेफरी बदलने वाला है। इससे पहले जिस दल का रेफरी था शायद इस बार वो चुनाव न जीत पाए, और डोनाल्ड ट्रंप हमारा नया रेफरी बन जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारा नया रेफरी बन गया तो साहब ये जो जुमलेबाज हैं इनको तो मैच में वॉकओवर मिलने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको वॉकओवर नहीं होने देना है, इनके खिलाफ हमको लड़ना है। और ये लड़ना इसलिए जरूरी है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम नियो लिबरलिज्म को डिफीट कर पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम कॉरपोरेट लूट के खिलाफ इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर पाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम एक एक इंसान के जस्टिस को इंश्योर कर पाते हैं, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, अपनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाते हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लड़ाई साबित होगा। ये लड़ाई को हमको इसलिए बचाने की जरूरत है। सहमति और असहमति का दौर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन असहमति को बर्दाश्त करने की एक परंपरा हमने भी इस मुल्क में देखी है। मैं जिस संगठन से आता हूं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन,
वो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ और इस देश के आजादी के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ा। लेकिन आज हम जिस भौतिक परिस्थिति में हैं, हम कभी भी एक संगठन की बात नहीं करते। हम एक संगठन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम अपने सेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अगर हम अपने घिसे पिटे पॉलिटिकल लाइन से आगे बढ़कर जनता के साथ संवाद करने को तैयार नहीं है, अगर हम शोषकों के खिलाफ शोषितों को यूनाइट करने का नया नजरिया अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इस मुल्क को नहीं बचा पाएंगे। ये चैलेंज हम लोगों को लेना पड़ेगा और ये बहुत खुशी की बात है कि संसद में ऑपोजिशन हो ना हो, सड़कों पे तो हमने इनको ऑपोजिशन दिया ही है। और ये ऑपोजिशन किसी एक स्टूडेंट यूनियन का नहीं, किसी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं, पूरे देश का ऑपोजिशन बनता जा रहा है। और इस पूरे देश का जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो मास मूवमेंट की शक्ल ले रहा है। इसीलिए आज इस हॉल में स्टूडेंट यूथ के अलावे तमाम एज के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क किन लोगों के हाथ में जा रहा है, यह लड़ाई किधर जा रही है। तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम यूनाइट होने के लिए तैयार हैं। आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इस लड़ाई को हम जीतेंगे। क्योंकि ये लड़ाई हम जिन महानुभावों के विचारों को लेकर चल रहे हैं वो हमें बहुत सारी ताकत देते हैं। जब मैं मुंबई आने की बात फाइनल कर रहा था तो एक गाली देने वाले ने कहा, तू आ पुणे, तेरे दिमाग में मैं गोबर भर दूंगा। हमने कहा, मैं पुणे आ रहा हूं, महाराष्ट्र, ये सावित्री माई की धरती है, तुमने उनकी साड़ी पर भी गोबर भर दिया था, लेकिन महिलाओं को शिक्षा लेने से नहीं रोक पाए, तो मुझे नहीं रोक पाओगे, आंदोलन को नहीं रोक पाओगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और तुम्हारी सत्ता को हिला कर रहेगा। ये हमारा लड़ाई है, ये हमारा संघर्ष है। ये कहते हैं गोबर की बात, एक छोटा सा कहानी आपको सुना देता हूँ। मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, तो कभी कभी हमारे टीचर गुस्सा करके कहते थे, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गधा कहीं का। आजकल मैं उसको याद करता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको उसके टीचर कहेंगे, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, संघी कहीं का। ऐसा माहौल देश के अंदर खड़ा किया है कि आपको सुनकर के हंसी आएगी। वो कहते हैं कि तू पढ़ाई छोड़ और अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि वो 3,000 रुपया कमाती है। हमने कहा कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा की जाए। फिर दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि तू 28 साल तक पढ़ क्यों रहा है। हमने कहा, PhD करने में 28 साल लगता है, कोई शौक से नहीं पढ़ रहे हैं, मिनिमम टाइम 28 वर्ष लग जाता है। तो फिर इन्होंने कहा कि तू टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। तो हमने कहा, भाई साहब, अगर आपको इतनी समझदारी होती तो आप भी नौकरी छोड़ करके PhD कर रहे होते, और आप अपने PM से पूछ रहे होते कि PM साहब, हमारे भी PhD करने की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि शिक्षा पर होने वाला खर्च खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कल को अगर मैं बड़ी नौकरी जाकर ज्वाइन करूंगा तो इस देश को ज्यादा टैक्स दे पाऊंगा। ये बात इसको समझ में नहीं आती है। समझ में कैसे आएगी, जिनका नेता ही ऐसा क्लास पढ़ा है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। घोषणा की गई है कि जो मोदी का सहपाठी ढूंढ लेगा उसको 5,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो खैर, एक दिन मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था। मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनको ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ। तो ट्विटर पे उन्होंने कल ही हनुमान जी की जयंती मनाई थी। बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। इसी तरीके से एक भाषण में उन्होंने कहा कि मैं बर्तन मांजने वाले का बेटा हूँ। यह बात तो बिल्कुल सच है। इस देश के अंदर करोड़ों लोग बर्तन मांजते हैं क्योंकि उनको अपने घर में नौकर रखने की औकात नहीं है। हमारी भी माँ बर्तन मांजती है, कुछ लोग दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर अपना रोजी रोजगार करते हैं। चलिए मोदी जी, एक काम करते हैं, ट्वीट ट्वीट खेलना बंद करते हैं, कुछ ग्राउंड पे काम करते हैं। जितने भी बर्तन मांजने वाले लोग हैं, उस जाति और उस समाज से आने वाले लोग हैं, उस वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा मुक्त कर देते हैं। बताइए आप।
कोई नीति नहीं है, हमारे पास सारी नीतियां हैं, आप बात तो कीजिए। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार दे दीजिए, लेकिन आपका सरकारी डेटा कहता है कि 1,34,000 रोजगार ही 2016 में पैदा किए गए हैं और रोजगार की दर लगातार 2009 से घटती जा रही है। इस हिसाब से अगर हम रेशियो निकालें तो 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में कभी नहीं आने वाला है। अगर बुलेट ट्रेन चढ़ेगी तो उस पर चढ़ेगा कौन? जब इस देश के अंदर लोगों को रोजगार नहीं है और बिना टिकट तो आप बुलेट ट्रेन पर चढ़ने नहीं देंगे, तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये है मोदी जी कि बुलेट ट्रेन चलाइए, कोई शक की बात नहीं है, थोड़ा जनरल बोगी को भी अच्छा करवा दीजिए, मुंबई की लोकल की भी सुविधा बढ़ा दीजिए। जब भी आप मुद्दे की बात करते हैं तब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, तब ये क्या कहते हैं कि आप सब लोग मिलकर सरकार को काम नहीं करने देना चाहते। सरकार अभी आए हुए उसको 2 साल ही हुए हैं, हमने कहा बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इस लिहाज से तो आपको 60 साल चाहिए, क्योंकि आप बार बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, कांग्रेस ने इस देश में 60 साल शासन किया, आप भी 60 साल शासन करेंगे। जनता इतना इंतजार नहीं करने वाली, क्योंकि आपने लोगों की मेंटलिटी को ओएलएक्स बना दिया है, जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो आपके बेचने से पहले जनता आपको बदल डालेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इस देश में पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उनको कहा कि देखिए इस देश में जो भी होगा वो अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है, जर्मनी और इटली जैसा नहीं है कि वहां पर 1-2 लाख लोगों को गैस चैम्बर में मारने के बाद इनकी सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाएगी। 1-2 लाख तो लोग खुद ही यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं, 1-2 लाख तो लोग यहाँ पे सूखे से मर जाते हैं, 1-2 लाख लोग तो यहाँ ट्रेन के नीचे आकर के मर जाते हैं, और लाखों लोग यहाँ बेरोजगारी से मर रहे हैं, अशिक्षा से मर रहे हैं। मोदी जी, इन मरने वाले लोगों को अगर एक दिन एहसास हो गया कि इस देश में संघ को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, इस देश में ब्राह्मणवाद को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, इस देश में पूंजीवाद को मार करके जिंदा रहा जा सकता है, तो वो कहेंगे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। अगर वो लड़ने के लिए सड़कों पे उतर गए तो आपकी जेल कम पड़ जाएगी, आपका सेडिशन कम पड़ जाएगा, आपका पुलिस कम पड़ जाएगी और आपका जूता फेंकने वाले लोग कम पड़ जाएंगे। इस बात को आप अंदर जो आमान है, जो उसकी हालत है, जो उसकी स्थिति है, उस पर बातचीत करना शुरू किए, उसके लिए पॉलिसी बनाना शुरू कीजिए, उनको भटकाना बंद कीजिए। और ये जो नए नए जुमले आप छेड़ते हैं, एक नया जुमला आया है, खड़ा रहो भारत, स्टैंड अप इंडिया, एक नया जुमला आया है, स्किल इंडिया, दक्ष भारत, एक नया जुमला आया है, मेक इन इंडिया। थोड़ा थोड़ा इसको बदल देने की जरूरत है, क्योंकि इसकी सच्चाई थोड़ी थोड़ी अलग है। जो मेक इन इंडिया है, दरअसल वो फेक इन इंडिया है। वो फेक इन इंडिया इसलिए है कि ये कहते हैं कि हम रोजगार पैदा करेंगे, कहाँ पैदा करेंगे, किस चीज में पैदा करेंगे? जब आप पूंजी को खेती में खर्च नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को इंडस्ट्रीज लगाने में खर्च नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप पूंजी को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च नहीं करेंगे, तो रोजगार कहां पैदा करेंगे? क्या इस रोजगार से काम चल जाएगा कि कुछ नौजवानों को, कुछ बेरोजगारों को भटकाकर आप उनसे जूता फेंका करके आप इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल को भटकाना चाहते हैं? आप नहीं भटका सकते इस देश के अंदर बेरोजगारी का सवाल। शिक्षा के सवाल को देखिए, इस देश में मात्र 1% बजट का खर्च होता है शिक्षा के ऊपर, मात्र 3% लोगों को हायर एजुकेशन मिलता है। हायर एजुकेशन के अंदर जो हम रिसर्च स्कॉलर हैं, वो भी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, एमफिल वालों को 5,000 और पीएचडी वालों को 8,000 रुपया दिया जाता है। और ये जो हमारी मनु मैडम है, पहले मुंबई में ही रहती थी, सास बहु करती थी, आजकल संसद में है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि वजीफा बंद नहीं करेंगे। अरे बंद नहीं करेंगे तो आपकी रिव्यू कमेटी ने भी उसको शुरू करने के लिए कह दिया है, आप शुरू क्यों नहीं कर देते, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। लेकिन इनको डर लगता है, इनको डर किस बात से लगता है?
इनको लगता है कि विद्यार्थियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, इनको डर लगता है कि रोहित से कन्हैया नहीं मिला, कन्हैया से प्रशांत नहीं मिला, प्रशांत से ऋचा नहीं मिली, ऋचा से सहला नहीं मिली, फिर भी ये लोग एक मंच पे आ रहे हैं। इनको डर लगता है कि जो लोग जेएनयू में लड़ रहे हैं उसकी आवाज फर्गुसन में क्यों उठ रही है, जो लोग एफटीआईआई में लड़ रहे हैं उसकी आवाज हैदराबाद में क्यों उठ रही है, और हैदराबाद की आवाज पूरे देश के अंदर क्यों उठ रही है, और जेएनयू का आवाज आज जादवपुर में क्यों आवाज बन रहा है, इस बात से इनको डर लगता है। मोदी जी, डरना डराना बंद कीजिए, क्योंकि ये खेल बहुत पुराना हो गया है, अब हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। या तो आप सचमुच का काम कीजिए, 15 लाख रुपया हमारे खाते में लाइए, हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा कीजिए, जल्दी से बुलेट ट्रेन चलाइए, और जो जो बात आपने विकास की कही थी वो कीजिए, नहीं तो अगली बार आपको 56 इंच के सीने का कोई धोखा हम लोग नहीं करने वाले हैं। आप 56 इंच के सीने की नुमाइश कर लें, 126 इंच का सीना हमको दिखा लें, हम तो 15 लाख रुपया ही मांगने वाले हैं, आपके सीने से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जितना भी हमको घुमाएंगे, इस बार हम घूम फिर कर अपने मुद्दे पे आ जाएंगे, और हमारा एकमात्र मुद्दा है कि इस देश के अंदर हजारों वर्षों से जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर से खत्म किया जाए, उसको समाज के अंदर से खत्म किया जाए, और एक एक इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरीके से रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग पास किया गया था, एंटी रैगिंग एक्ट को लागू किया गया था, उसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर रोहित एक्ट को लागू किया जाए, ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। सवाल उठाना चाहते हैं कि सबको शिक्षा देना पड़ेगा, सबको काम देना पड़ेगा, जिसकी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उसको रोजगार देना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो अपना भत्ता काटकर, अपना सूट बेचकर, अपना पुतले की नीलामी करके हमको बेरोजगारी भत्ता आपको देना पड़ेगा, ये लड़ाई हम लेकर जाने वाले हैं। और नहीं तो सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, इस आंदोलन की ये आवाज है, इस आंदोलन की ये लड़ाई हम इसको आगे जाकर लेने वाले हैं। इनके पास रास्ता क्या बचता है, तब ये वही कर सकते हैं जो इन्होंने गांधी के साथ किया था। ये कहीं से फ्रीलांस बोर्ड से ढूंढ करके ले आएंगे और कहेंगे कि आवाज उठाने वाले को मार दिया जाए। देखिए, आप जितना रोहित मारेंगे उतना रोहित पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग मरने से नहीं डरने वाले और अंगूठा मांगने पे अंगूठा देने वाले नहीं है। आप गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे जो गुड़गांव का नाम रखा है उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हम एक एक कैंपस में गुरु द्रोणाचार्य को सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि हम एकलव्य की नई पीढ़ी है, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और आप चाहे जो भी कर लीजिए, ट्विटर पे गाली दे लीजिए, इनके पास एक सेल है, साइबर सेल, जिसका काम बहुत अच्छा है। जानते हैं क्या करता है? ये नकली वीडियो बनाता है, ये गालियां भी नकली देता है, क्योंकि उसका प्रोफाइल ही नकली है, इसलिए उसका गाली भी नकली है। इनके जितने ट्रोलर हैं उनका अकाउंट आपको असली नहीं मिलने वाला है। ये क्या करेंगे? ये आज का भाषण अगर इनको दिक्कत लगेगा, आज का प्रोग्राम से ये घबरा जाएंगे, ये जो तमाम छात्र नेता यहाँ बैठे हुए हैं इनसे अगर इनको परेशानी हो जाएगी तो ये फोटो खींचेंगे और पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा देंगे। तो ऋचा कह रही थी कि हम भारत छोड़ो कहेंगे, आरएसएस भारत छोड़ो। आप अगर आरएसएस भारत छोड़ो कहेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनको पाकिस्तान भी लेने वाला नहीं है, इनको तो कोई जगह नहीं है। और अमेरिका और यूके में जहाँ ये घूम फिर करके आ गए हैं, वो भारतीयों के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत कड़ा कर दिया है। पहले ही मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था, बाकी लोगों को क्या होगा? तो इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनके लिए एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है कि जिस मजबूरी में बाबा साहब का फोटो लगाया है उसी मजबूरी में मनु स्मृति जलाओ, उसी स्मृति में ब्राह्मणवाद को भक्त करो, उसी मजबूरी में तुम जातिवाद को भक्त करो, और इस देश के अंदर बराबरी और समानता के सिद्धांत को लागू करो, और संविधान की जय बोलो और झंडे की जय बोलो। एक बार मैं विमर्श कर रहा था अपने एक साथी से, उन्होंने कहा कि लाल किले पे लाल निशान होना चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं इस देश का क्या है, कि अगर अभी हम लोग सचेत नहीं हुए तो लाल किले पर से ये तिरंगा झंडा उतारने वाले हैं, वहां भगवा फहराने वाले हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, तिरंगा बचा लेते हैं, फिर तय करेंगे कि उस पर नीला लगेगा कि लाल।
ख्याल लगेगा। और मेरे ख्याल से पहला चीज बोल रही थी, इस देश के अंदर कोई एक संस्कृति रूल नहीं कर सकती, कोई एक जाति रूल नहीं कर सकता, कोई एक विचार रूल नहीं कर सकता। इस देश के अंदर जो भारतीय चिंतन परंपरा है, जो कबीर से शुरू होता है, गुरु नानक से होते हुए, गांधी और अम्बेडकर और बुद्ध से होते हुए मार्क्स तक पहुंचता है, हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो अत्याचार है वो कब तक रहेगा, उसको कभी ना कभी तो खत्म होना पड़ेगा। यह कार्यक्रम आप लोगों ने दिन में शुरू किया था, रात हो गई है, और ये रात भी कब तक रहेगी? कभी तो सूरज निकलेगा, कभी तो नीले आसमान में लाल सूरज निकलेगा, कभी तो अधिकार की बात की जाएगी और सबके बुनियादी हक और अधिकार के लिए लड़ा जाएगा। और वो लड़ाई शुरू हो गई है, और वो लड़ाई शुरू हुई है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस लड़ाई में तमाम लोग, हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसी एक पार्टी के लोग नहीं बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ मौजूद हैं। और हमारी हर बात से जरूरी नहीं है कि उनकी सहमति हो, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं जरूरी नहीं है कि हमारी विचारधारा भी एक दूसरे से सहमति की हो, लेकिन यही लोकतंत्र है, यही संवैधानिक मूल्य है कि हम असहमत होते हुए भी आपके सहमति के अधिकार के लिए खड़े होते हैं। यही लोकतांत्रिक मूल्य है, इसी लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने की लड़ाई है, और इसी लोकतांत्रिक मूल्य को हम बचाएंगे और इसको हम स्थापित करेंगे, यही हमारा संघर्ष है। बार बार लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे आप, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, जनाब हमारे लिए राजनीति चुनाव से शुरू होकर के चुनाव पे खत्म नहीं होता है। हमारे लिए राजनीति संघर्ष से शुरू होकर संघर्ष पे खत्म होता है। इसीलिए हमें पार्टी की नहीं जन आंदोलनों की एकता बनाने की जरूरत है, आंदोलनों को संघर्षों को यूनाइट करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि अगर हमारा सवाल सही है, अगर हमारा और आपका विचार मिलता है कि इस देश के अंदर पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहिए, इस देश के अंदर जो ऊंच नीच और भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए, तो हम लोग एक मंच पर आएंगे, हम लड़ेंगे और ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों को परास्त करेंगे। यही हमारा संघर्ष है, यही हमारी लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग बार बार ब्राह्मणवाद क्यों बोलते हैं। हमने कहा कि आपकी जाति क्या है, तो झेपते हुए बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। हमने कहा साहब मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना तो हम किसी जाति के खिलाफ हैं, ना किसी जाति के पक्ष में हैं, हम पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हमारे विवेक को डाइल्यूट मत कीजिए, एक जाति के खिलाफ हमको दूसरी जाति का पक्षधर मत बनाइए, और एक एक लड़ाई को दूसरी लड़ाई से अलग मत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद का संबंध ब्राह्मणों से नहीं है। ब्राह्मणवाद का संबंध उस ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था से है, उस शोषण पर आधारित संरचना से है जिसपे जो ताकतवर है वो ताकतवर होता है, और ताकतवर का बेटा ताकतवर होता है, और जो कमजोर है वो कमजोर होता है, और कमजोर का बेटा कमजोर होता है। हमको इस स्ट्रक्चर से दिक्कत है, हमको इस संरचना से दिक्कत है, हमको जाति से नहीं, हमको पूरी की पूरी जाति व्यवस्था से दिक्कत है। इसीलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को चलते हैं, इसीलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। कुछ लोग आज एक नया सवाल लेकर आए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सुना है आपको 6 लाख रुपया दिया है। हमने कहा अब आपके पास कोई राजनीतिक सवाल नहीं बचा है, पहले भी आपके पास नहीं था, क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा इतनी कुंद है जो पीएचडी में और एमबीबीएस में फर्क नहीं कर पाता। एक विरोधी था, वो बोला कि कन्हैया अपने पेशेंट का इलाज कैसे करेगा। साहब हम इलाज मेडिकल साइंस से नहीं पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, तो हमारी पीएचडी एमबीबीएस से नहीं, हमारी पीएचडी सोशल साइंस से है, और इसीलिए हम जो इलाज करेंगे सामाजिक बुराई का, जातिवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का और पूंजीवाद का, वो कोई उस्तरा लेकर इलाज नहीं होगा, वो जन आंदोलन से होगा, वो संघर्षों से होगा, और ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी पीएचडी है। और अगर इससे आपको दिक्कत है तो आप अपनी ताकत लगा लीजिए, हमें अपनी ताकत का भरोसा है, क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं कि आप हमको कितना भी बहलाने फुसलाने का कोशिश करें, हम आपसे फुसलाने वाले नहीं हैं, क्योंकि
हरिशंकर परसाई ने हमको एक कहानी पढ़ा दिया था बचपन में ही, भेड़ और भेड़िया। आजकल कुछ भेड़िए भेड़ की शक्ल में मुंह में घास दबाकर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे हैं। साहब आप अगर इतने डेमोक्रेटिक हैं तो किसी के ऊपर जबरदस्ती भारत माता क्यों थोपते हैं? आप अगर इतने ही डेमोक्रेटिक हैं तो आप जबरदस्ती किसी का खान पान तय क्यों करते हैं? अगर आप इतने ही डेमोक्रेटिक हैं तो आप ये कौन क्यों तय करते हैं कि कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे शादी करेगा? और आपके जितने बाबा जी हैं जो करोड़ों का धन संपदा जमा कर लिए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि चाउमीन खाने से देश में रेप होता है? भाई साहब, खाने से रेप नहीं होता, समझदारी नहीं बदलने से रेप होता है। आप अपनी समझदारी बदल लीजिए, चाउमीन आपका विचार नहीं बदलने वाला है। इस देश के अंदर जो ये विचारधारा है जिसको हम एंटी रेशनल कहते हैं, उन्होंने एक नया तरीका बनाया कि हमको एंटी नेशनल साबित कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आपके पास डॉक्टर वीडियो, नकली वीडियो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया भी है जिसके मालिक राज्यसभा संसद में जाना चाहते हैं, तो हमको देशद्रोही साबित कर सकते हैं। लेकिन हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश, इस देश के अंदर मुसलमानों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके हक और अधिकार की बात है। और ऐसा देश का सपना बाबा साहब ने देखा था, ऐसा देश का सपना जब ज्योतिबा फुले गुलाम गरी लिख रहे थे तो उन्होंने भी देखा था कि जब तक हम सामाजिक गुलामी को नहीं छोड़ेंगे, हम एक आजाद मुल्क नहीं बना पाएंगे। तो इस देश का सपना हम देखते हैं और ऐसा सपना हम जरूर बनाएंगे। आप कितना भी सेडिशन लगा लीजिए, कितना भी जेल में डाल दीजिए, आप हमारी लड़ाई को नहीं रोक सकते, आप हमारे संघर्ष को नहीं रोक सकते। और ये क्या कह रहे हैं कि ये मीडिया, मीडिया वालों के लिए विशेष तौर पर बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ट्विटर फॉलो करते हैं कि नहीं, ये जो हमको गालियां देते हैं फेसबुक और ट्विटर पे, देखिएगा कि आपके बारे में क्या लिखते हैं। आपके बारे में प्रेस्टिट्यूट लिखते हैं, ये इनकी भाषा है, ये इनका भारत माता के प्रति प्रेम है, ये इनकी देशभक्ति है। जरा इसका अंदाजा आप लोग लगा लीजिए। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और इनको अचानक से देश की याद आ गई है। ये देश की याद इनको अचानक से आई क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों आई है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश मेरे बगल का है, इसलिए मुझे जानकारी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उस उत्तर प्रदेश में ये 80 में से 73 सीट जीत गए थे। क्या बोल करके? बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जनाब रोज आपके सर के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है, आप में से कितने लोग हवाई जहाज पे चढ़ते हैं? आपके घर के पछवाड़े से रोज बुलेट ट्रेन गुजरेगी, बस आपको उसको देखेंगे लेकिन कभी उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बुलेट ट्रेन के नाम पर इन्होंने चुनाव जीत लिया। 2 साल हो गया बुलेट ट्रेन चला नहीं, तो सोचा इस बार क्या चलाएंगे, तो बोला ऐसा करो इस बार एंटी नेशनल और नेशनल चला देते हैं, इसीलिए चुनाव जीते। तो इन्होंने ये काम कर दिया। अब हम लोग घूम घूम करके जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हुआ क्या था। 9 फरवरी को ना तो देश के खिलाफ कोई नारा लगाया गया, ना तो इस देश को तोड़ने की बात की गई। किया क्या गया? मोदी के खिलाफ नारा लगाया गया, संघ के खिलाफ नारा लगाया गया। ये काम जो जेएनयू में हुआ, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को फ्रेम करके जेल में डाला, उसके बाद इन्होंने एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार के अंदर एक रिपोर्ट थी, एक महिला ने बेंगलोर के अंदर एक इसी तरीके के पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया, उसके ऊपर एंटी नेशनल बोलते हुए सेडिशन का चार्ज लगा करके एबीवीपी के लोग कह रहे हैं इसको जेल में डालो, क्योंकि उस कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हुए मनुस्मृति को क्रिटिसाइज कर रही थी। उसी तरीके से एक ग्रुप, नाटक का ग्रुप, एक नाटक कर रहा था जिसमें मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म किया गया। उसके बाद एबीवीपी के लोग यहाँ आए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग आए और उन लोगों ने उस नाटक कार्यक्रम को बंद कराया और डायरेक्टर को कहा कि तुम इस नाटक को नहीं दोबारा करोगे वरना तुमको गोली मार देंगे। ये गोली मारने की परंपरा इनकी है। नाथूराम गोडसे से शुरू करके कुलवर्गी तक, दाभोलकर तक, पांसारे तक इन्होंने गोली चलाई है। ये आगे भी गोली चलाएंगे, लेकिन इनको बता देना चाहते हैं कितना गोली मारोगे भाई साहब, कितना लोगों को मारोगे, कितने लोगों के आवाज को बंद कराओगे? ये तुम्हारे बस का नहीं है। अगर ये तुम्हारे बस का होता
तो 1925 से तुम दंगे करा रहे हो इस देश के अंदर। तुम इसलिए सत्ता में आ पाए क्योंकि हम अपोजिशन को यूनाइट नहीं कर पाए थे। इस बार हम अपोजिशन को यूनाइट करेंगे और तुमको सत्ता से बाहर करेंगे, ये हमने तय किया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। इस बात से हमको जरूर लेना देना है कि जो हमारे हक की बात नहीं करेगा, जो रोहित एक्ट को बनाने की बात नहीं करेगा, जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात नहीं करेगा, जो बड़ी पूंजी की लूट के खिलाफ छोटे व्यवसायियों के मदद की बात नहीं करेगा, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके मुकाबले मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करेगा, जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के हक की बात नहीं करेगा, जो छात्रों नौजवानों के शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेगा, जो महिला के हक और अधिकार की बात नहीं करेगा, जो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने की कोशिश करेगा, उसको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। ये कमिटमेंट हमारा है, ये हमारी लड़ाई है, इस बात को हमने तय किया है। और आप क्या करेंगे? आपने एक तरीका अपनाया है। एक मैं राजनीतिक विश्लेषक का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इस देश की सरकार ने एक नई पॉलिसी अपनाई है कि हर जगह जनता को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठा और गैर मराठा में बांट दो, जैसे हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट के अंदर बांट दो, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली वाला और बाहरी वाला के अंदर बांट दो, जैसे दलितों को गैर दलितों में बांट दो, पिछड़ों को अल्पसंख्यकों से बांट दो। ये बांटने की राजनीति करता है और हम जोड़ने की राजनीति करते हैं। जो इस मुंबई के अंदर रोजी रोजगार लेकर पुल बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, उसके सामने भी पेट का सवाल है, और जो मराठवाड़ा के अंदर पानी लाते हुए अपनी जान दे रहा है उसके सामने भी पेट का सवाल है। ये पेट का सवाल सबसे ऊपर रहेगा। और इस देश के अंदर जो आपने एक गलत तरीके का मन का बात किया है, एक गलत तरीके से जो जुमलेबाजी की है, उस मन के बात के बारे में एक बात मैं कह रहा हूँ कि हम भी अपने मन की बात करेंगे। और हमारे मन की बात सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है। हम सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और सबका रेस्पेक्ट यही है कि हम आपके व्यक्तिवाद को चुनौती देंगे, हम आपके सेल्फीवाद को चुनौती देंगे और सबके लड़ाई को, सामूहिक संघर्ष को, कलेक्टिव मूवमेंट को हम आगे बढ़ा करके इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे और इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है उस गैर बराबरी को खत्म करते हुए समाज में एक समतामूलक मूल्यों को स्थापित कर एक नया समाज बनाएंगे, एक नया मुल्क बनाएंगे। यही हमारी आशा है, यही हमारा विश्वास है और यही हमारी लड़ाई है। एक अपील आप लोगों से करते हुए कि ये महज पब्लिक मीटिंग में बात कर लेने से ये होने वाला नहीं है, महज कुछ कार्यक्रम दिल्ली पुणे और दिल्ली में कर लेने से ये होने वाला नहीं है। हमको एक मूवमेंट का शक्ल बनाना पड़ेगा और इस बात पर दिल्ली के अंदर हम विद्यार्थी लोग आपस में बैठ करके तय किए हैं कि जैसे हम दिल्ली में आंदोलन को चला रहे हैं उसी तरीके से मुंबई में भी आंदोलन चलना चाहिए और अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जाति के लोग आपस में बैठें, मिलकर के कोऑर्डिनेशन बनाएं, घर घर जाएं और उनको बताएं कि संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, आपका हक क्या है और आपका अधिकार क्या है। इस बात को हमको, इस मुहिम को, इस संघर्ष को हमको लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा। इसी कड़ी में आने वाली 5 मई को हमने एक नेशनल कन्वेंशन विद्यार्थियों का बुलाया है। आने वाले समय में हम राइटर्स का भी कन्वेंशन बुलाएंगे, हम मजदूरों का भी कन्वेंशन बुलाएंगे, हम कर्मचारियों का भी कन्वेंशन बुलाएंगे, हम जो बेरोजगार यूथ हैं उनका भी कन्वेंशन बुलाएंगे, समाज के जो अलग अलग तबके के लोग हैं अलग अलग जाकर के हम कन्वेंशन करेंगे और उनको बताएंगे कि आज अगर नहीं लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। आइए मिलकर लड़ते हैं, इस मुल्क को बचाते हैं। इसीलिए आप तमाम विद्यार्थियों से अपील है कि 5 मई को दिल्ली आइए, नेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कीजिए। वहां हम रोहित एक्ट को लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे और जो रोहित एक्ट ड्राफ्ट कमेटी हमारे हाथ में सौंपेगी, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट बुलाकर रोहित एक्ट को पहले हम अपने पार्लियामेंट में पास करेंगे, फिर सड़क की पार्लियामेंट से संसद की पार्लियामेंट तक रोहित एक्ट का सवाल जाएगा और इस संसद को भी रोहित एक्ट का जो कानून है उसको पास करना पड़ेगा। इस आंदोलन को इस शक्ल में हम आगे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ रहिए, इस संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंदिरा जिंदाबाद, जय भीम, लाल कलाम। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।
रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, हॉल में कृपया भगदड़ ना करें। नीचे भी लोग हैं, ऊपर की मंजिल पर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, ऊपर के मंजिल पे भी लोग हैं, कृपया भगदड़ ना करें। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, नीचे नीचे के लोगों को गुजारिश है कि वो सबसे पहले चले जाए नीचे का, और इस हॉल के नीचे का हॉल एक बार खाली हो गया तो ऊपर के लोग नीचे जा सकते हैं। नीचे का हॉल खाली करें ताकि ऊपर के लोगों नीचे के फ्लोर पे जा सके। और एक गुजारिश आप सभी लोगों से है, एक अपील है, हमारे कुछ साथी बाहर मेन गेट पर, मेन एग्जिट गेट पर एक चादर लेके खड़े हैं। उस चादर में आपसे जितना भी आर्थिक सहयोग बने इस कार्यक्रम के लिए कर दीजिए। ये कार्य कृपया मंच की तरफ कोई ना आए। पीछे जो रास्ता है, पीछे से गेट से सब वॉलंटियर्स को विनती है, उनको भेजना है। और इस सभा